हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं फरवरी मार्च 2023 में आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट पूछे गए क्वेश्चंस को। ये हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट टू है। हमने पार्ट वन के अंदर ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है ऑफ 2023। हमने हमारे चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 2023 एंड उससे भी पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो हमारी अभी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप इन लेक्चर्स को जरूर देखो, आपको जून के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, द पर्पस बिहाइंड सॉल्विंग डेली दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज, क्योंकि अभी आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया है ना, तो अगर हम डेली बेसिस पे अगर आप इसी तरीके से डिस्कस करते हैं हमारे 2023 के में पूछे गए इंपॉर्टेंट यूनिट्स के क्वेश्चंस को, या हमारे 2022 21 वगैरह के, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको, इससे क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा है वो आपका रिवीजन कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे एनटीए वाले अभी जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं हर यूनिट्स में पूछ रहे हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया किसी भी बुक में, तो साइमल्टेनियसली क्या है, हम उसको भी कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको जून के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव इंटरव्यूइंग ओवर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमसे दो रिसर्च के ये मेथड है, दो अलग मेथड के बारे में पूछ रहा है। एक रिसर्च मेथड है हमारा क्वांटिटेटिव इंटरव्यूइंग, ठीक है, और एक है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो दो डिफरेंट रिसर्च मेथड के बारे में ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, जो हम रिसर्च में यूज करते हैं, कि ये जो क्वांटिटेटिव इंटरव्यूइंग है इसके क्या एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, हमको ये बताना है। अब बच्चों को ये लग रहा होगा कि क्वांटिटेटिव इंटरव्यूइंग क्या होता है, ये तो हमने कहीं भी बुक्स में मेंशन नहीं किया हुआ है। देखो, क्वांटिटेटिव इंटरव्यूइंग का मतलब है ये आपसे बात कर रहा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, यानी कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। अब क्लियर हुआ क्वांटिटेटिव इंटरव्यूइंग क्या हुआ, ये आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या जिसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये तो हम जब नेचुरल सेटिंग के अंदर, यानी हमारे क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, जहां पे हम नेचुरल सेटिंग के अंदर पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व, उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन का मतलब आपको। तो हमको ये बताना है कि हमारा जो क्वांटिटेटिव इंटरव्यू मेथड है, जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, उसके क्या एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए, हमको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो, सबसे पहले क्या है, वाइडर रेंज ऑफ इश्यूज कैन बी डिस्कस्ड। तो वाइडर रेंज ऑफ इश्यूज आप स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कर सकते हो या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। तो हमारा आंसर है कि हम इसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कर सकते हैं। रीजन, आप यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस बना रहे हो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप बहुत सारी चीजें पार्टिसिपेंट से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है, आप कुछ लोगों को गहराई में जाके समझ रहे हो, इन डेप्थ जाके समझ रहे हो, तो क्या होता है उसके अंदर आप वाइडर रेंज ऑफ इश्यूज को डिस्कस नहीं कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन को आप लोगे और उसी के ही रिलेटेड आप उनका ऑब्जर्वेशन करोगे। तो वाइडर रेंज का आपको ऑप्शन मिलता है क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। इसके बाद इवेंट्स कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, आप इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्टेड कर सकते हो क्वांटिटेटिव में, क्योंकि पार्टिसिपेंट वाला जो है ये आपका नेचुरल सेटिंग के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या बार बार रिकंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल हो पाएगा, नहीं ना। इसलिए हमारा बी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड सी इज एथिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च कैन बी एडहर्ड टू। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि आप क्वांटिटेटिव इंटरव्यू जो है आप एक कंट्रोल्ड पूरा बना के सिचुएशन लोगे, इसलिए सी बी हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ए बी सी। अब देखो, डी और ई हमारा करेक्ट आंसर क्यों नहीं हो सकते, नेम कॉलिंग इज परमिटेड। तो नेम कॉलिंग हमारे स्ट्रक्चर्ड में परमिटेड नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर ही पॉसिबल, यानी क्वालिटेटिव के अंदर ही पॉसिबल हो पाएगा, है ना। आउटसाइडर्स भी यहाँ पे इंटरप्ट कर सकते हैं आपके क्वालिटेटिव में। तो ये दोनों हमारे क्वालिटेटिव यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का है, और ए बी सी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दो स्टेटमेंट दिया है और हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज, ठीक है। तो सैंपल साइज क्या होता है, हम जिन सैंपल को अपने स्टडी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उन्हीं से हमारा सैंपल साइज बनता है। ये लार्ज सैंपल साइज भी हो सकता है, स्मॉल सैंपल साइज भी हो सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि टाइम एंड कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है व्हाइल डिटरमाइनिंग सैंपल साइज
फॉल्स, टाइम एंड कॉस्ट दोनों मायने रखता है जब आप अपने सैंपल साइज को डिटरमाइन करते हो। मान लो अगर लार्ज सैंपल साइज है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगा, है ना, तो इसलिए मायने रखता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो अब देखो इस सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई ये यूनिट नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है एंड आइटम नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, ये तीन अलग चीजें हैं। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर की प्रॉब्लम तब आती है जब आपने जो सैंपल को सेलेक्ट किया है जब वो आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, जब हमारा सैंपलिंग एरर होता है। ठीक है, सैंपलिंग एरर का प्रॉब्लम कब आता है, जब आपने अपने पॉपुलेशन में से एक ऐसे सैंपल को सेलेक्ट किया है जो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये स्टडी करना है कि टीनेजर्स के ऊपर सोशल मीडिया यूज करने का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मैं एक ऐसा टीनेजर को या एक ऐसे टीनेजर के ग्रुप को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एज अ सैंपल जो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता है, तो क्या मुझे सही रिप्लाई मिल पाएगा, क्या जो मुझे इस सैंपल से डेटा मिलेगा क्या वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, नहीं ना, तो जब हमारा सैंपलिंग एरर का इशू होता है। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं यूनिट नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है। देखो नॉन रिस्पॉन्स का मतलब आपने जिस सैंपल को सेलेक्ट किया है जब आप उससे सर्वे कर रहे हो, जब आप या तो उससे आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है डेट इज नो रिस्पॉन्स। क्या नॉन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स दो तरीके के हैं, एक होता है आपका यूनिट नॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब ये यूनिट नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है ये समझना, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स के अंदर आपने जिसको सैंपल सेलेक्ट किया है ना वो आपको रिस्पॉन्स कोई देता ही नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसका कारण क्या हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट, या तो वो आपसे बिल्कुल भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, या उसने बीच में छोड़ दिया आपको, वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को आपके सैंपल का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके साथ नहीं करना है, वो एकदम से आपके सैंपल से बाहर निकल जाएगा खुद ही। तो ये सिचुएशन नो यूनिट नॉन रिस्पॉन्स की तब आती है कि आपने जिस सैंपल को सेलेक्ट किया है या तो आपका उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एज अ होल मतलब बिल्कुल भी आपका उससे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, या उसने खुद ही अब वो हट गया है कि भाई मुझे आपका सैंपल नहीं बनना है, मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना है, वो खुद से ही ये कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आता है हमारा आइटम नॉन रिस्पॉन्स। तो ये आइटम नॉन रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके पास सैंपल तो आपका है लेकिन उसके आपके सैंपल से आपने जो क्वेश्चंस पूछा है वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। ठीक है, आपके सैंपल तो है लेकिन आप उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसमें से कुछ क्वेश्चंस का वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने जिनको सैंपल लिया है वो 70 to 80 years के ग्रुप के हैं, तो मैंने उनसे 5 questions पूछे तो 3 का तो वो जवाब दे पाए, लेकिन अभी 70 80 years एक ऐसा एज ग्रुप होता है भाई उनकी मेमोरी बहुत कमजोर हो गई, उनको याद नहीं है। तो मान लो उन्होंने मेरे को 3 तो जवाब दे दिया, मैंने उनसे चौथा सवाल पूछा, उनको याद ही नहीं आ रहा है कि उसका जवाब क्या था, मतलब उनको कुछ आपने जो क्वेश्चन किया उनको याद ही नहीं आ रहा है वो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका आइटम नॉन रिस्पॉन्स का इशू आता है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट यूनिट नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैम्पलिंग एरर, क्या ये सही है, नहीं, ये आंसर हमारा फॉल्स होगा। क्योंकि क्योंकि देखो इन दोनों नॉन रिस्पॉन्स से आपको जो भी डेटा मिलेगा वो आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये सैंपल का रिस्पॉन्स है ना, इसलिए ये मैटर करता है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द फोटो एलिसिटेशन टेक्निक इज यूज्ड इन, तो ये फोटो एलिसिटेशन टेक्निक क्या होती है, ये कहाँ यूज होती है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोटो एलिसिटेशन होता क्या है, ठीक है, और ये कहाँ काम होती है। देखो फोटो एलिसिटेशन टेक्निक ये हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर आती है, यानी हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है। ठीक है, और ये टेक्निक हमेशा इंटरव्यू कंडक्ट करते वक्त यूज करी जाती है, जैसे जो रिसर्चर है वो अपने रिस्पोंडेंट या जिसको हम पार्टिसिपेंट कहते हैं जब वो उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है ना, ये टेक्निक जब यूज करी जाती है। अब ये क्यों यूज करी जाती है, देखो जब रिस्पोंडेंट जो है जब वो वर्बली चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जब जो क्योंकि देखो क्वालिटेटिव है तो मतलब क्या है, ये नेचुरल सेटिंग्स के अंदर हो रही है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है लोगों का, है ना, तो जब रिस्पोंडेंट क्लियरली इन डेप्थली जब वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी चीजों को समझा नहीं पाते हैं, तो उस टाइम पे ना ये फोटो एलिसिटेशन टेक्निक यूज करी जाती है ताकि
जितना वो रिस्पोंडेंट बोल रहे हैं, और बाकी फोटो ही, फोटो का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी विजुअल इमेजेस, उनको दिखाकर उनके गहराई से उनके इमोशंस को समझा जा सके, उनके एक्सपीरियंसेस को समझा जा सके। तो इससे क्या होता है, रिसर्चर जिनको भी, जिन भी रिस्पोंडेंट को स्टडी कर रहा है, यानी जिनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, उनकी जो भी सोशल लाइफ है, यानी उनका जो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उनके जो भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उन सबको डीपली जो है ना वो अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे ये मैं रिसर्च कर रही हूँ जो वॉर विक्टिम्स हैं, ठीक है, जिन एरिया में वॉर हुआ था उनके विक्टिम्स के ऊपर अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, तो अभी क्या वो इस सिचुएशन में है, उनकी एक तो फिजिकली उनको नुकसान हुआ है, हो सकता है भाई उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भी उनसे छूट गए हो, तो क्या वो इस सिचुएशन में कि वो मुझे अच्छे से अपनी जो एक्सपीरियंसेस मुझसे वो शेयर कर सकते हैं इंटरव्यू में, नहीं। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे इमेजेस के जरिए, विजुअल इमेजेस के जरिए, अब चाहे जहाँ पे जिस एरिया में वॉर हुआ है, मैं उसके वॉर के पहले की पिक्चर्स, मैं जिनका इंटरव्यू ले रही हूँ उनके फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स, या उनके दोस्त वगैरह की पिक्चर्स, या खुद इनके कोई पिक्चर्स जो वॉर के पहले के हैं, मैं उनको ये सब दिखा रही हूँ। अब ये रिसर्चर खुद भी दे सकता है, या रिस्पॉन्डेंट ये फोटोज जो है वो खुद भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी दोनों में से कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिसर्चर जितना, सॉरी रिस्पॉन्डेंट जितना बोल पाया, ठीक है, लेकिन जब मैं ये वो उनको इमेजेस दिखा रही हूँ, उसके बाद जो वो डीपली जाके अपने कल्चर के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर वो मुझसे शेयर करेंगे, क्या होगा, वो बहुत डीपली होगा, क्योंकि उनके इमोशंस बाहर आएंगे ना उन चीजों को देखकर, इमेजेस को देखकर। तो इसलिए हम इस सिचुएशन में, हमको जब किसी के कल्चरल या किसी के सोशल चीजों को जब हमको गहराई से जाके समझना है, और वो रिस्पॉन्डेंट जब वो नहीं बता पा रहा है, हम उसके बोलने से हम क्लियरली वो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम जब ये फोटो एलिसिटेशन टेक्निक यूज करते हैं, ताकि आप विजुअल इमेजेस के जरिए उसके इमोशंस को डीपली जाके समझा जा सके। इसलिए आंसर है हमारा यहाँ पे विजुअल एथनोग्राफी, क्योंकि देखो एथनोग्राफी क्या है, कल्चरल स्टडी, विजुअल क्या है, यहाँ पे हम इमेजेस को के थ्रू कर रहे हैं, एथनोग्राफी क्यों, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग में हो रही है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, जो सोशल भी हो सकता है, कल्चर सोशल है तो कल्चरल होगा ही होगा, समझ आ रही है आपको बात, इसीलिए क्योंकि ये सोशल साइंस या सोशल लाइफ में यूज किया जाता है, इसलिए हम कभी कभी इस टेक्निक, इसको जो है विजुअल एथनोग्राफी को हम विजुअल सोशियोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि ये टेक्निक आपकी विजुअल सोशियोलॉजी में भी यूज करी जाती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आई होप ये क्लियर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ द पोस्टल क्वेश्चनर सर्वे इज, तो पोस्टल क्वेश्चनर सर्वे का मेजर डिसएडवांटेज क्या है, हमको गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। देखो सर्वे क्या होता है, सर्वे इज अ डेटा कलेक्शन मेथड, यानी कि ये एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मेथड है, जो यूज हम कर, इसको हम हमारा क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्रेडिशनल सर्वे मेथड है, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो पोस्टल क्वेश्चनर सर्वे में देखो होता क्या है, क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है, यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने रिस्पोंडेंट, जिसे हम पार्टिसिपेंट भी कहते हैं, तो यहाँ पे रिसर्चर जो है डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट, यानी कि अपने टारगेट ऑडियंस को पोस्ट के जरिए वो उनको क्वेश्चनर भेजता है। ठीक है, और ये रिस्पोंडेंट जो ये क्वेश्चनर को रिसीव करते हैं, इसको इसका आंसर फिल करने के बाद इनको पोस्ट के ही जरिए रिसर्चर को वापस सेंड करना होता है। इसलिए हम इस सर्वे को पेंसिल एंड पेपर सर्वे भी कहते हैं, और ये एक स्टैंडर्डाइज एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड सर्वे है, जहां पे रिस्पोंडेंट खुद से अपने क्वेश्चनर को फिल करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे ना डायरेक्ट जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उनके पास ही पोस्ट के जरिए आप क्वेश्चनरी भेज देते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं एक मार्केटर हूँ, ठीक है, मैंने एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, और मेरे जितने भी कस्टमर ने इसको परचेज किया है, अब मुझे इसका रिव्यू लेना है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ताकि मैं आगे अपने इसको एक्सपांड करने के लिए यूज कर सकूं। तो मान लो मेरे जिस कस्टमर ने परचेस किया है मेरे पास, उनका मैंने डिटेल ले लिया था, तो ये हो गई मेरी टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे जो मेरे कस्टमर है, मैं क्या करूँगी, पोस्ट के जरिए ना इनको क्वेश्चनर भेजूंगी कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा, इसका प्राइस आपको कैसे लगा, क्या आप इसको और लोगों को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चनरी बना के इनको पोस्ट के जरिए भेज दी। अब मेरे ये कस्टमर का काम होगा इस क्वेश्चनरी को फिल करके पोस्ट के ही जरिए मेरे पास ये रिस्पॉन्स को वापस भेजना। अब बताओ ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लगता है कि आज के वक्त में भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो अपना टाइम निकालकर इतना मगजमारी करके पोस्ट ऑफिस जाके वापस से रिस्पॉन्ड को लगाएंगे, तो ये सब लोग तो नहीं करेंगे। इसलिए इस मेथड के अंदर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हायर रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स,
क्योंकि यहाँ पे आप जिसको ये जो सर क्वेश्चनरी भेज रहे हो ना, वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इतना टाइम लगा के क्यों पोस्ट ऑफिस जाएंगे, फिर पोस्ट ऑफिस जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पैसे भी लगेंगे, तो लोग क्या करते हैं इसको रिस्पॉन्स ऐसे टाइप ऑफ सर्वे को नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। और जैसे हमारे ट्रेडिशनल मेथड में पोस्टल क्वेश्चनरी यूज किया जाता है, जब से ये ऑनलाइन में एडवांसमेंट आया है, ऑनलाइन मेथड जो चलने लगा है, तो ऑनलाइन के अंदर हम इसी तरीके से मेल सर्वे कंडक्ट करते हैं, जहां पे हम अपने टारगेट ऑडियंस को ईमेल के जरिए क्वेश्चंस भेजते हैं, फिर वो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है इसके आंसर्स को फिल करके हमको ईमेल के ही जरिए हमारे रिस्पॉन्स को वापस हमारे पास भेज देते हैं। ठीक है, हमारा आज का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे रिसर्च के एथिक्स के अंदर आता है। ठीक है, यानी एथिकल कंसिडरेशन जो एक रिसर्चर को करना चाहिए अपनी स्टडी कंडक्ट करते वक्त, उसके बारे में। देखो, दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, डी ब्रीफिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स टेक्स प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ ए स्टडी। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, डिसेप्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी। तो देखो, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट डिसेप्शन लिखा है, ये हम सबको पता है डिसेप्शन का मीनिंग क्या है, जानबूझकर किसी को फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना। जब डेलिबरेटली आप जानबूझ के किसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, उसे हम डिसेप्शन कहते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर टू है, ये तो ट्रू है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। अब हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, डी ब्रीफिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स टेक्स प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ अ स्टडी। तो देखो, डी ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है, आप अपनी स्टडी के अंदर जिन पार्टिसिपेंट्स को आप सेलेक्ट करो, जिन पार्टिसिपेंट से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, उनको अपनी स्टडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पूरी सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने पार्टिसिपेंट को, कि आप ये स्टडी क्यों कंडक्ट कर रहे हो, ये स्टडी से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपने उनको पार्टिसिपेंट जो सेलेक्ट किया है उनका डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो आप किस पर्पस से यूज करेंगे, यानी आप अपने पार्टिसिपेंट को फुल इंफॉर्मेशन देते हो अबाउट योर स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है वो आपको क्वेश्चन भी कर सकता है, आप उसके फीडबैक्स भी ले सकते हो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डी ब्रीफिंग है वो हमेशा एट द स्टडी के एंड में करी जाती है। डी ब्रीफिंग जो है ना, बिगिनिंग में नहीं, एंड ऑफ द स्टडी में करी जाती है, आप ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहिए।